की ग्रोथ भी करेंगे, बालों की लंबाई भी बढ़ाएंगे, बट कोई केमिकल काम में नहीं लेंगे और खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो बिल्कुल सिंपल है और नेचुरल चीजें काम में लेके मैंने ये रेमेडी प्रिपेयर की है और इसके रिजल्ट तो बहुत ही गजब के हैं। आपके बालों में ये ग्रोथ तो देगा ही, उसके साथ साथ आपके बालों में जबरदस्त शाइन लेकर आएगा। तो जल्दी से आइए हम उसे देखते हैं और अप्लाई करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। सभी लोगों को लंबे घने काले बाल काफी अट्रैक्ट करते हैं, सब चाहते हैं हमारे भी ऐसे बालों। तो आप लोगों को ऐसे बाल मिलेंगे, बट उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। जो भी आप नेचुरल रेमेडी करें उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बस हम एक एप्लीकेशन अप्लाई कर लें और हमारे बाल बढ़ जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। सॉरी, मेरी रेमेडी आप लोगों पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि कोई रेमेडी ऐसी नहीं होती है कि एक बार अप्लाई करें और आपके बालों की लेंथ बढ़ जाए। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो नेचुरल रेमेडी आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर मैं गारंटी लेती हूँ आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच दाना मेथी ली है, जिसे हम फेनुग्रीक सीड बोलते हैं। ये क्वांटिटी मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ली है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया है। दाना मेथी प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हेयर ब्रेकेज हमारा कम से कम होता है। ये हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बालों को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हमारे बाल हेल्दी रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे बालों में बहुत शानदार ग्रोथ मिलती है। दाना मेथी को सदियों से बालों की ग्रोथ करने में काम में लिया जा रहा है। ये देखिए, दाना मेथी खूब बढ़िया से भीग गई है, अच्छे से फूल गई है। अब इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको मास्क बनाने में काम में लेने वाली हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ग्राइंड होके ये बढ़िया फाइन सा पेस्ट बन गया है। मैं तो इसे डायरेक्टली अप्लाई करने वाली हूँ, बट कुछ लोगों को परेशानी रहती है कि हम दाना मेथी अप्लाई करते हैं और जो दाना मेथी के ग्रैनुल्स होते हैं वो हमारे बालों में चिपक जाते हैं, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार इस पेस्ट को आप छान लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप इसको यूज करिए। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 बड़ी चम्मच दही ऐड किया है। दही जो रफ हेयर्स होते हैं, ड्राई हेयर्स होते हैं, उनको स्मूथ करने में हेल्प करता है। दही के अंदर नेचुरल हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये बालों को नरिश करने में हेल्प करती है और बालों में बहुत शानदार शाइन लेके आती है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो कि स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है और बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इस समय मेरे हेयर्स काफी ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि काफी धूप भी हो गई है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है। अगर जिन लोगों के हेयर ज्यादा ड्राई नहीं है, ऑयली है, तो वो यहाँ पे 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक हमें अच्छा सा फाइन सा पेस्ट चाहिए, जो हमारे बालों में आसानी से अप्लाई हो जाए। आज मैं आप लोगों को जो ये मास्क बता रही हूँ, रियली ये काफी इफेक्टिव है। इसको आप अप्लाई करके देखिए। आप 2 से 3 एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब मैं बालों की ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ, बालों की ग्रोथ तो होगी बट वो थोड़ा टाइम लेगी, बट आपको बालों में शाइन नजर आने लगेगी, आपको अपने बालों से प्यार होने लगेगा, आपके बाल हेल्दी दिखने लगेंगे, आप हैप्पी हो जाएंगे और एक्साइटमेंट के साथ फिर इस मास्क को अप्लाई करेंगे। ये लीजिए, मास्क एकदम रेडी है बालों में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने बालों को कॉम कर लीजिए। मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि जब भी कुछ भी चीज़ आप अपने बालों में अप्लाई करें, कोई भी मास्क अप्लाई करें, तो हमेशा बाल सुलझे हुए होने चाहिए। अच्छे से कॉम करने के बाद इसको आप अपने पूरे बालों में लगा लीजिए, बालों की रूट्स में लगाइए, पूरे बालों की लेंथ में अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे बालों में रहने दीजिए। जब आपका 1 से 1.5 घंटा हो जाए, उसके बाद हमें वॉश करना है, तो आप वाइट शैम्पू से बालों को वॉश कर लीजिए।
वॉश करने के बाद आप अपने बालों को जरूर देखिएगा, जब कॉम करेंगे तो आपको अपने बाल सॉफ्ट लगेंगे और बहुत इजीली कॉम होगा। हो सकता है कि जो ग्रैनुल्स हैं वो बालों में रह जाए, तो आप चिंता मत करिए, जब आपके बाल ड्राई होंगे आप कॉम करोगे तो सारे के सारे झड़ जाएंगे। इस मास्क को हमें हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है और एकदम बेस्ट रिजल्ट के लिए कंटिन्यूटी बना के रखनी है। कुछ ही हफ्तों बाद देखिएगा, आपके बालों की ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपके बालों का टेक्सचर भी काफी अच्छा हो जाएगा, बाल आपके काफी हेल्दी हो जाएंगे और बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाएगी। इस रेमेडी को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चे काम में नहीं ले सकते। तो आप बेझिझक अप्लाई कीजिए और शानदार रिजल्ट पाइए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। ये रिजल्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।